देश के प्रमुख प्याज उत्पादक राज्यों में रबी प्याज की बुवाई बीस फीसदी तक कम हुई है हालांकि बुवाई के लिए अभी एक सप्ताह का समय है जिसमें करीब पांच से दस फीसदी बुवाई और हो सकती है लेकिन इसके बाद भी दस से पन्द्रह फीसदी बुवाई रकबा कम रहेगा जो उत्पादन घटा देगा ऐसे में मार्च से अप्रैल के दौरान बाज़ार में प्याज की कम उपलब्धता कीमतों को बढ़ा देगी यह महंगाई लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र सरकार के लिए परेशानी बढ़ा सकती है जनवरी के पहले सप्ताह तक महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में रबी प्याज की बुआई में 20 फीसदी तक की गिरावट आई है हालांकि बुआई की समय सीमा समाप्त होने में अभी कुछ दिन बाकी हैं लेकिन उद्योग विशेषज्ञों ने कहा कि इस सीजन में प्याज के रकबे में 10 से 15 परसेंट की गिरावट हो सकती है क्रिसिल रिपोर्ट के अनुसार प्याज बुआई के मौजूदा स्तर में कुछ सुधार हो सकता है हालांकि रबी प्याज की खेती के क्षेत्र में 10 परसेंट की गिरावट के साथ सीजन समाप्त हो सकता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार प्रमुख प्याज उत्पादक राज्यों महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों में जलाशय का स्तर कम है जिससे सिंचाई की संभावनाएं बाधित हो रही हैं इस स्थिति के चलते भी किसानों को रबी प्याज से दूर जाना पड़ रहा है जिसमें लगभग 12 से 15 सिंचाई की आवश्यकता होती है जबकि सिंचाई के चलते बढ़ने वाली लागत भी किसानों को प्याज बुवाई से दूर करने का कारण बन रही है बीते करीब एक माह पहले प्याज की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी दर्ज की गई थी जिसके बाद सरकार ने प्याज निर्यात पर बैन लगा दिया इसके बाद खरीफ प्याज की उपज मंडियों में आने लगी लेकिन निर्यात पर प्रतिबंध के चलते किसानों की प्याज खरीद धीमी हो गई और कीमतों में 30 फीसदी से अधिक की गिरावट आ गई इस स्थिति के चलते किसानों को मंडियों में खरीफ प्याज की लागत निकालने तक का भाव नहीं मिला जबकि स्टोरेज की दिक्कत ने किसानों को खरीफ प्याज औने पौने दामों में बेचने को मजबूर किया भारी नुकसान झेलने वाले किसानों ने रबी प्याज की बुवाई से मुंह मोड़ लिया है रबी प्याज का रकबा घटने से प्याज की कीमतें ऊपर जाएंगी जो महंगाई दर पर दबाव डालेंगी बीते नवंबर में प्याज की अधिक कीमतों और अन्य सब्ज़ियों के ऊंचे भाव के चलते खुदरा महंगाई दर बढ़कर 5.5 दशमलव फीसदी हो गई जो अक्टूबर में चार महीने के निचले स्तर चार दशमलव आठ सात पर थी जबकि रबी प्याज मार्च के अंत से बाज़ार में आने की शुरुआत हो जाती है रकबा घटने से उत्पादन कम रहेगा और उस वक़्त कीमतें चढ़ी रहेंगी विशेषज्ञों ने कहा कि इससे लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मार्च से अप्रैल के आसपास खाद्य मुद्रास्फीति उच्च स्तर पर पहुंच सकती है जो सरकार पर महंगाई नियंत्रण में रखने का दबाव बना देगी ब्यूरो रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी